छुपा हुआ अर्थ को जिस श्लोक के माध्यम श्लोकबद्ध रूप से आप प्रकाश करते उसको कालिका बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने आगम प्रकरण पूरा कर चुका, मतलब श्रुति वाक्यों के आधार पर जगत पारमार्थिक सत्य नहीं है ऐसे सिद्ध हुआ। अब मांडव्य कार्यकर्ता की प्रतिज्ञा है कि केवल श्रुति वाक्यों के आधार पर नहीं, युक्ति के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं, युक्ति के आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? जगत में पारमार्थिक सत्य सत्य नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ये द्वितीय प्रकरण शुरू किया। भगवान मतलब आगम मात्र वो तो केवल मात्र श्रुति वाक्य है, परंतु युक्ति के द्वारा भी आप जगत की मिथ्यात्व को समझ सकते हैं, इसलिए द्वितीय प्रकरण को शुरू किया जाता है। वैतथ्य मतलब पता है तथा मतलब द थिंग एज इट इज, जो वस्तु जैसे बीतथ्य मतलब दिखाई दे रहा है परंतु वैसे नहीं है, और वैतथ्य मतलब पता है वो जो जैसा नहीं है उस प्रकार के भाव में अगर दिखाई देती होगा वैतथ्य स्वभाव है ना, ये होगा वैतथ्य बोलना बीतथ्य स्वभाव वैतथ्य, ठीक है ना। इस प्रकार से जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है ऐसा कहते हैं कौन लोग, कहते हैं प्रमाण कुशल। भगवान भाष्कर मतलब मनुष्य का अर्थ क्या कर दिया, प्रमाण कुशल, प्रमाण के सारे वस्तु सिद्ध करने वाले व्यक्ति लोग ऐसा मानते हैं। अच्छा ठीक है, जगत वैत अपने प्रतिज्ञा किया कि जगत यथार्थ वस्तु नहीं है, हेतु क्या दिया, बोलते अंत स्थाना, परंतु कमरे का अंदर कई वस्तु है, कपड़े का अंदर शरीर है, घरा के अंदर पानी है, इस थोड़ी मिथ्या कहते हैं, तो सत्य बोलता तुम भी बोलते हो, भाई सत्य तो बोलते ही हो। तो बोलते आपने हमारे अंतस्थान शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया, समृतक तेरे हेतु मतलब उपयुक्त स्थान नहीं होने, मतलब जहाँ पे जो वस्तु देखना चाहिए वहाँ पे वो नहीं है, शरीर के अंदर ही बाहर रहना संभव नहीं है, शरीर के अंदर नाड़ियों के अंदर पारकांश होगा, पार नदी हस्ती अधिकांश होगा, इसलिए जो वस्तु जहाँ पे देखना संभव नहीं है वो वस्तु अगर वहाँ पे दिखाई दे उस वस्तु को हम मिथ्या बोलेंगे, उस वस्तु का मिथ्या बोलेंगे। और इसीलिए मिथ्या की परिभाषा के रूप में हम कहते हैं कि किसी भी अधिष्ठान में त्रैकालिक निषिद्ध प्रतियोगिता, मतलब तीनों काल में वस्तु नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं। ज्ञान होने के बाद हम स्वयं ही निश्चय करेंगे, जिस समय मुझे सर को दिखाई दे रहा था रज्जु के ऊपर वो सर को समय भी नहीं था, स्वयं ही निश्चय करते, ये पहला हेतु है। दूसरे हेतु बोलते हैं जिस प्रकार देश दृष्टि से यहाँ पे मतलब असंपति और असंपतिपत्ति मतलब यथार्थता नहीं है, इस प्रकार काल दृष्टि से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर यथार्थता नहीं मिलेगा, है ना। पहले आपको देश अनुचित देश में दिखाई देगा, फिर जो है आप क्या बोलते हैं कि आप इससे अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देश न पश्यति,
जितना समय में हम सपनों देखते हैं, यहाँ से हमने बैठा हुआ उत्तरकाशी में सपनों देख रहे हैं कि मैं कहीं मुंबई में अथवा कोलकाता में, कोलकाता में बैठा सोच रहा है कि मैं गंगोत्री में जा करके गंगा जी में नहा रहा हूँ। जितना देर तक गंगोत्री को आने के लिए चाहिए और वहाँ पर जाकर नहाते समय, उतना समय होता ही नहीं है। तो अदीर्घत्वाच कालस्य दत्वा देशान् न पश्यति, दूर देश में जा करके जो है उस स्थान में वस्तु को नहीं देखता है। और केवल यदि मान लो वहाँ पे गया भी हो तब क्या होता है, जब वो जगता उसको अचानक किसी ने जगा दिया तो कहाँ होना चाहिए, तो उसको जहाँ पे गया वहाँ होना चाहिए। उनका ऐसा भी नहीं होता, प्रतिबुद्धश्च वही सर्वम तस्मिन् देशे न विद्यते, जहाँ पे उसको गया था वहाँ पे जो वस्तु देखा था कुछ भी उसको जग करके नहीं मिलता है। ना अपने को गंगोत्री में पाता है, ना गंगोत्री का मंदिर, कुछ भी नहीं दिखता। दूसरा ये तो यहाँ पे बोला भाष्यकार एक एडिशनल बोलेंगे, कल रात को मैं सपने देखा, मैं प्रदीपानंद जी के साथ बहुत देर तक गप मार रहा हूँ। क्यों जी, गप लगा रहे थे कि नहीं, मना कर लें। यानी कि ये भाष्यकार बोलेंगे आप जिससे मिले हैं उनको यदि पूछे कोई, अरे कल ये मिला था, तो उनको क्या बोलेगा, नहीं नहीं झूठ बोल रहे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तब इसलिए ये मिथ्या, इसलिए इस आत्मिक वस्तु का मिथ्या क्या। यहाँ पे अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से लेकर के अतिदेश करेंगे स्वप्न वस्तु मिथ्या क्यों है, इसको यदि हेतु हम ठीक से समझ जाएंगे, तब जब अतिदेश करेंगे हम जिस समय आप समझा रहे थे उनको समझता हूँ, तो जब हम बोलेंगे इसमें यहाँ पे घटाओ तब घटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ठीक से समझना है वो क्या कहना चाहता है कि कोई वस्तु को देखो, स्वप्न काल में हम तो चलते फिरते घूमते नजर आते हैं, परंतु वह शरीर बिस्तर में पड़ा रहता है, ठीक है ना। जागृत काल में चश्मा के बिना हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, सपने में बिना चश्मा के कई चीज़ दिखाई दे रही है, तो सत्य कैसे हो सकता है। इसलिए ये सब जो है मतलब असंप्रतिपन्न, मतलब एक मतलब मतलब कोई बात ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि स्वप्न वस्तु सत्य होता है। सभी वादी को यही मान रहता है स्वप्न वस्तु मिथ्या ही होती है। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे इसका, यहाँ पे देखिए यस्मात् प्राच्येषु सुप्त, एक दूसरा श्लोक को पढ़ेंगे एक साथ पहले उसको चल जाता है दूसरा श्लोक। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान् न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्व तस्मिन् देशे न विद्यते। बोलते हैं काल की मतलब यथार्थता नहीं होने के कारण भी, मतलब हम दूर देश में जाकर के स्वप्न नहीं देखते। कोई बात ही ने बोला, आपने बोला शरीर के अंदर स्वप्न देखते का नहीं, तो सही नहीं है, हम तो दूर देश में जाकर स्वप्न देखते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं, दूर देश जाने के लिए जितना समय चाहिए था, उनसे वापस आने के लिए जितना समय चाहिए था उतना समय तेरे का स्वप्न देखो, एक महीना दो महीना लग जाता पहले ज़माने में, एक जगह दूसरे जगह पैदा जाना अपना गोरे में जाना इतना समय लग जाता है। इसीलिए जो है वो यथार्थ तो नहीं है। केवल इतना ही नहीं, मान लो आपने सोया सपना देखना शुरू किया, इतने में अचानक आपको चला जा रहे आप, मैं गंगा जी में गोता रहा था तुम मेरे को उठा दिया, नाराज हो जाते हैं, वहाँ पर तो मिलता नहीं है, इसी को मन में रखते। जस्मात् क्योंकि प्राचीषु सुप्त उदम शु उदम उदक्षु उदक्षु सपनान पश्यन इव दृश्यते, पूर्व देश में सोया हुआ व्यक्ति उसको उत्तर देश में अथवा पश्चिम देश में स्वप्न दिखाई मतलब दिखाई वहाँ पर पहुँचा स्वप्न दिखाई दे रहा है, जैसा इव दृश्यते इति एतत् आसन कैसे शंका करने पर उसके उत्तर में बोलते हैं न देहात बहिर्देशांतरम रत्ता स्वप्नान पश्यति, शरीर से बाहर जा करके स्वप्नों को नहीं देखता वो व्यक्ति, वहीं पर जा करके देखता है। क्यों, हेतु दे रहे वहाँ पे प्रतिज्ञा बाप को पुष्ट करने के हेतु दे रहे, अस्मात् सुप्त मात्र एव देह देशात् योजन शतांतरिते माश मात्र प्राप्ते देशे स्वप्नान पश्यत इव दृश्यते, सोया और सोने मात्र से दो मिनट में देखता है कि दो सेकंड में देखता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उतना देर तक जाने के लिए उतना देर जो समय चाहिए वो समय वहाँ पर बीता ही नहीं, मतलब मतलब अयथार्थ काल और अयथार्थ देश होने के कारण हम सापने एक वस्तु को मिथ्या, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं कि दसवां सुप्त मात्र एवं देह देशात योजन शतांतरित, कई लंबा 100 मील दूर पे 800 मील 1000 मील दूर पे अपने आप को जिसको महीना दो महीने में जाके प्राप्त करता है उस देश में जाकर के स्वप्न देखते हैं। इसलिए वहाँ पे दोनों जगह पे ईगो लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो टीकाकार बोल रहे हैं, हमें टीका कहाँ तक पढ़ा था,
टीका शुरू से ही पढ़ना है ना, शुरू से। तो ठीक है, तब टीका को बाद में करेंगे, पहले भाष्य पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे युगोकार मात्रा, वहाँ पे आभास मात्र होता है, ये कहना चाहते हैं। मतलब जिस प्रकार हमने दूसरे जगह पर जाकर के नहीं देखा उस चीज़ को, अपने आप जहाँ पे हूँ वहीं पे सोते हुए हम दूर देश पर चले जाते हैं, मन ही मन ये अभिप्राय है। युव शब्द यहाँ पे आभासत्व का द्योतक है, शाब्दिक वस्तु आभास है, पारमार्थिक नहीं, इसको बोध कराने के लिए युव शब्द आया हुआ है। दृश्यते इति एतत् शंका आह, इस शंका को, मतलब जो शंका उठाया था ना वहाँ पे कि नहीं देश देर जहाँ आप बोलते हैं शरीर के अंदर नाड़ी में दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो यथार्थ नहीं है। हमको तो शरीर के अंदर नाड़ी में थोड़ी दिखाई पड़ता है, हम तो बाहर देश में दिखाई पड़ता है। जब बोलते हैं बाहर देश में नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए जितना समय लगता उतना समय वहाँ व्यतीत नहीं हुआ इसलिए। फिर जो है भाष्य में बोलते हैं, न च तद्देश प्राप्तिर आगमनस्य च दीर्घ कालो अस्ति। भाष्य में मिला थर्ड लाइन, उस देश तक जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए जितना समय चाहिए था उस समय वो वहाँ पर हमने नहीं बिताया, इसलिए बोलते न च। और भी देखो, तद्देश प्राप्ति, उस देश को प्राप्ति करने के लिए आगमनस्य च, वापस आने के लिए च दीर्घ कालो न अस्ति, वहाँ पर जितना समय चाहिए था वो काल में हमने वहाँ पर नहीं बिताया। ये हो गया आपका मतलब अदीर्घत्वाच्च कालस्य, अतो अदीर्घत्वाच्च कालस्य न स्वप्नदृक् देशांतरं गच्छति। इसलिए उपयुक्त काल वहाँ पे व्यतीत नहीं होने के कारण, उपयुक्त काल जितना समय चाहिए था उसको वहाँ पे जाने के वापस आने के लिए उतना समय हम व्यतीत नहीं करने के कारण हमको ये मानना पड़ेगा स्वप्नदृष्ट पुरुष देशांतर में अथवा कालांतर में जाकर स्वप्न नहीं देखता अपने अंदर। इसको थोड़ा सा यहीं से मन में बैठाना, हमें भी जगत ध्यान न विश्वम दर्पण दृश्यमान नगर अंतर्गत, अपना ही वस्तु को मेंटल एक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, उसी को हम बाहर देखते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध सिद्धांत तो बाहर वस्तु है ऐसा मानता नहीं है, वेदांती मानते हैं बाहर भी है। और बाहर कैसे देखते हैं, बाहरी जगत हमारे लिए प्रतिबंधक है, मेरा मेंटल प्रोजेक्शन जिस चीज को बनाया, मतलब जहाँ पे महत्व बुद्धि कर लिया वही हमारे संसदन के लिए। ये जो मतलब क्या हो गया, हम मनी के अंदर पूरा सृष्टि को रचते हैं, है ना, इसको ये समझता को लेकर के स्वप्न जागृत में मिथ्यात्व को बोलते हैं। दृश्यत्व हेतु दे रहे हो, मतलब क्या दे रहे हैं, दृश्यत्वात्म मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्नवत, ये हमारे सामने को दे रहे हैं। वहाँ पर दृश्यत्व में अभिप्राय क्या है, जहाँ जहाँ पे आपने जो है ममत्व बुद्धि बैठा है वही तो हम स्वप्न में देखते हैं, वही तो हम सब नाम देखते हैं। ठीक इसी प्रकार जागृत उसी वस्तु पे हमारा हमको असर करता है, यहाँ पे हमने ममत्व बुद्धि में कितना पूरा विश्व में ना जाने कितना कहानी घट रहा है, रोज घट रहा है, वो हमको इफेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर हमारी ममत्व बुद्धि में यही दृश्यत्व है इसीलिए ना करें। तो आप बोलेंगे जागृत में भी देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में देखते तुरंत नाश हो जाता है जागृत का वस्तु, कब से कब तक देख रहा हूँ, ये भी ऐसा मिथ्या हो व्यवहार होता है, उसको कोई लाभ मिलता है। शाब्दिक वस्तु तो स्वप्न का भी व्यवहार होता है, सत्य भी लगता है, और सपना छोटा समय है और ये लगता है कि हम लंबा समय देख रहे हैं, परंतु सृष्टि की पूरा समय की तुलना में उस सपना काल से छोटा काल है ये काल। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, न चाहता देश प्राप्ति आगमन से दीर्घ काल अस्थि, तो अदीर्घत्वाच काल सृष्टि, उतना समय तक काल का व्यतीत नहीं होने के कारण न स्वप्न किसी स्वप्न दृष्टा देशांतर न गच्छे स्वप्न दृष्टा पुरुष देशांतर में नहीं जाता। ये हो गया फर्स्ट रीजन, अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वादेश न पश्यति, ये सब कालिका के पहला हेतु दिया है ना, पहले दिया था अनुपयुक्त स्थान, दूसरा क्या क्या दिया, अदीर्घ काल काल का अनुपयुक्त था। थर्ड बोल रहे हैं देखिए, किंच प्रतिबुद्धस्य, जब आप जाग जाते हैं, जब आप जाग जाते हैं, प्रतिबुद्धस्य वही सर्व स्वप्नदृक् स्वप्न दर्शन देश न विद्यते, ठीक है ना। अपने जब जग जाता है, जहाँ पे जा करके मैं स्वप्न देख रहा था तो जगने पर हमको वहाँ होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, होता कि नहीं, हमने देखा कि मैं यहाँ से 100 मील दूर पड़ोस मौजूद मैं कहीं पे पहुँच गया, जगह तो वही बिस्तर में पड़ा हुआ। इसलिए प्रतिबुद्धश्च वै सर्व स्वप्न देख, यहाँ तक किंच प्रतिबुद्धश्च वै सर्व स्वप्न देख स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न दर्शन देश, जहाँ जिस देश में जा करके स्वप्न देख रहा था तत्नाविद थे, जगने पर वहाँ पे नहीं होता, जगने पर वहाँ पे नहीं होता। अब देखिए यहाँ भी कैसे लगेंगे, हम अनादि माया निद्रा में पहले बोल करके अनादि माया शुद्ध जगह जीवन में बोल जाते, तो हमको जगने पर किस देश में लगेगा, मेरे को जिस प्रकार
जिस समय हम स्वप्न में सो करके साप्ताहिक वस्तु को देखते हैं तो दूसरे जगह पर चले जाते हैं, मतलब जगने पर क्या होता है जहाँ पे परावत उसी बिस्तर में, ठीक है। अब माया निद्रा में सो करके हम दूसरी जगह पर जा करके व्यवहार करते हैं, ये माया निद्रा में सो करके हम दूसरी जगह पर जा करके व्यवहार करते, दूसरी जगह क्या हो गया, शरीर में मैं और इसके साथ मनुष्य जगेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ज्यादा मतलब छूट जाएगा, हम अपने स्वरूप में अपने को पाएंगे, अपने स्वरूप में अपने को पाएंगे, समझ में आ रहा है ना। जहाँ पे हमने सोया था, कहाँ पे सोया था, अपने स्वरूप में हमारा निद्रा है, स्वरूप को नहीं जाना था, जब जागेंगे तो क्या होगा, अब हमको स्वरूप में। ये दृष्टांत तो दृष्टांत को शुरू से थोड़ा सा मिलाते हुए चलिए, तब आगे के भाग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस नाम में बोलते हैं कि किंच प्रतिबुद्धस्य वै सर्व स्वप्न देख स्वप्न दर्शन दिश ना विद्यते, जहाँ पे बैठ करके स्वप्न देख रहा था हम लोग, कहाँ पे बैठ करके जागृत स्वप्न को देख रहा हूँ, इस शरीर में बैठ कर, तब जागने पर क्या होता, वहाँ पे आप नहीं मिलेंगे, आप अपने शरीर से तथा छोड़ जाएंगे स्वरूप में। क्यों हम स्वप्न क्यों देख रहा था, एक अग्रहण था, स्वरूप का अग्रहण था, वहाँ को निद्रा, स्वरूप का अग्रहण निद्रा था, अब स्वरूप पहुँचो जग गया, इसे स्वरूप का अग्रहण, ठीक है ना। पहले बोलते हैं अन्यथा, ये दोनों को नहीं भूलना, अन्यथा विरहत स्वप्न निद्रा तत्व अजान, निद्रा मतलब क्या हो गया, जिस तरह स्वरूप का अज्ञान, ये निद्रा, उसके फलस्वरूप क्या हो गया, अन्यथा ग्रहण हो गया, मैं शरीर हूँ, ये स्वप्न देखना होगा। अब जग गया आपने, अब क्या हो जाएगा, ना स्वप्न देखेंगे ना आपका निद्रा भी है, निद्रा से जग गया आपने, इसे स्वप्न भी नहीं देखेंगे, मतलब स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और शरीर में तादात्म्यता नहीं होगी, ये अभिप्राय से बोल रहे हैं। किंतु ये जगह यदि आप समझ जाएंगे ना, मतलब कितना हिस्सा दृष्टांत राष्ट्रम कितना भाग को लगाना है, क्योंकि कुछ तो भिन्नता होगा, इतना हिस्सा में समता को लेकर के ये कहा जा रहा है। यदि च आगे टिक भाष्य में, यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेत यस्मिन देशे स्वप्नान पश्येत तत्रैव प्रतिबुद्धेत, स्वप्नों में यदि वास्तविक को देशांतर में गया होता तो क्या होगा, जब जगेगा उसको देशांतर में अपने को प्राप्त होना चाहिए, परंतु ऐसे नहीं होता। यदि जब स्वप्ने देशांतरम गच्छे, यदि गच्छे मतलब कंडीशनल अर्थ में बोला, पोटेंशियल मूड, आपको क्या हो गया, कंडीशनल मूड अर्थ में प्रयोग, यदि ऐसा हुआ होता विधि लिखा, गच्छे मतलब जाना चाहिए या अर्थ नहीं है यहाँ, यदि ऐसा हुआ होता कंडीशनल मूड में प्रयोग किया पोटेंशियल, यहाँ पे यदि जब स्वप्ने देशांतरम गच्छे यस्मिन देश के स्वप्नान पश्चिम, जिस देश में जाकर के स्वप्न देख रहा था तब तक प्रतिबुद्ध भी उस जगह पर उसको जगना चाहिए, ऐसे न हुआ न चोता दस्ती, ऐसा नहीं होता, भिन्न नहीं होता है, उसको थोड़ा सा भगवान बचपन न चोता दस्ती को थोड़ा समझे, रात्रो सुप्त अहनेव भावान पश्यति, है ना, सोया किस समय, रात में सपन देख रहा है, दिन में घूम रहा है, आजकल कभी कभी दिन में बैठ के सो गया दोपहर में और रात में पहुंच गया, रात में पहुंच गया, तो इसलिए अब क्या जो वस्तु आप दूसरे बात और भी यहाँ पे बोलेंगे, तीन नंबर टिप्पणी में देखिए, अहनी इव इति जागृत दिवा इव वा इति अर्थ, जागृत मतलब क्या होगा, सोया हूँ मैं, ठीक है ना, मैं जग गया, अथवा रात में सोया दिन जैसा दिखाई दे रहा है, दिन में सोया रात जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे बोलता है रात्रो सुप्त अहनी इव भावान पश्यति, रात में सोया हुआ व्यक्ति सारा दिन के प्रकाश में व्यवहार करता है जैसा, ठीक है ना। और केवल इतना ही नहीं, बहु ही संगत तो कमरे में अकेला दरवाजा बंद करके सोया, हम स्वप्न क्या देखते हैं, हरी सभा में कुछ फिर लेक्चर मान रहा हूँ, हिसाब में देख रहे, तो बस क्या होगा, ये जो है बहु ही संगत अनेक के साथ में मिल गया, ज्येष्ठ संगत भवती तेलगृह, तब क्या हो गया, जब आपने जगा तब आपको क्या होना चाहिए था, जिस देश में जा करके आप व्यवहार कर रहे थे उस देश में जगना चाहिए था, और जिनके साथ व्यवहार कर रहे थे वो भी आपके साथ होना चाहिए था, अभी दोनों ही नहीं होता, इसलिए स्वप्निक वस्तु यथार्थ नहीं है। अब ध्यान एक एक लाइन के साथ आप दृष्टांत में थोड़ा मन जद भी बताएंगे, दृष्टांत में भी आप घटाते जाएंगे, दृष्टांत में क्या हो जाएगा, जिस देश में मैं गया था उस देश में भी नहीं रहूँगा, और उस देश के साथ संबंध करके जिनके साथ व्यवहार कर रहा हूँ वो भी नहीं मिलेगा जगने पर, स्वरूपावा बोधे विकल्पा शिष्य, तब शिष्य शास्त्र शास्त्र कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, कुछ भेद नहीं रहता, है ना। इसीलिए आप बोलते हैं ये दो चीज बोला भगवान भास्कर, क्या बोला, जिस देश में जाकर के सोया था उस देश में नहीं जगता, दूसरा क्या बोला, जिन लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था वो भी नहीं मिलते जगने पर, क्या होता है, सब आत्मस्वरूप, कोई विकल्प नहीं रहता, भेद नहीं रहता,
ये चीज आप समझ जाएंगे तो स्वप्न दृष्टांत तो कैसे हम जागृत में घटाएंगे, तो किस हिसाब से मिथ्या होगा आपको स्पष्ट हो जाएगा जागृत कैसे मिथ्या। इसलिए बोलते हैं रात्रो सुप्त अहन एव भावान पश्यति बहुवी संगत ज्येष्ठ संगत भवती तय गृहत, जिसके साथ हमने मिला था उसके लिए ग्रहण होना चाहिए था, न च गृहते परंतु उसको भी ग्रहण नहीं होता। पहला जैसा भी नहीं, मैं मेरापन ही चला जाता, मैं ही नहीं रहा तो मेरापन कहाँ से रहा। गृहित चेत ताम अद्य तत्व उपलब्धवंत वयमिति ब्रूयु, तब क्या होता कि देखो यदि ऐसा ग्रहण होता तब क्या बोलता उठ करके, हाँ देखो कल हम लोगों ने मिला था रात को, अच्छा तुम वहाँ पे गए थे तुम हम वहाँ पे गए थे, ऐसा बोलता देखने वाला भी बोलता और जिसके साथ मिला था वो भी बोलता, कल हम लोग ऐसा नहीं बोलते। इसलिए बोलते हैं गृहित यदि उसका ग्रहण हो जाता तब क्या बोलता है, ताम अद्य तत्व उपलब्धवंत आपको मैं कल वहाँ मिला था, ऐसा बोलता वो भाई अब हम लोग वहाँ मिले थे इति ब्रूयू, ऐसा बोलना चाहिए था, पर ये भी नहीं ब्रियाद ब्रिया ब्रियाद ब्रियास्त्रम ब्रिया स्वर्य में ब्रूयू, मतलब ऐसा बोलना चाहिए था उनको, बंद ऐसा नहीं बोलते, ये कुछ लगा हुआ है विधि में न चाहिए तदस्ती, ये काम भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं बोलता जगने के बाद ना कोई आके बोलता कि कल हमको मिला था तो उस देश में भी हमको प्राप्त है। इस कारण से क्या हो गया स्वप्न को मिथ्या बोलते हैं। मनीषिणा प्रमाण पूछा कौन बोलते हैं इसको, कि आप पहले जो बोल करके आया यहाँ पे कि आह आहु मनीषिणा प्रमाण कुशला, समस्त बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाण मानने वाले सभी व्यक्ति के ही मानने होता है सात्विक वस्तु मिथ्या होता है। तस्मात न दिशांतरम गच्छति स्वप्ने, इसलिए स्वप्न में दिशांतर में नहीं है, स्वप्न अपने स्वरूप में अपने अपने स्थान में बैठ कर ही वो स्वप्न देखता है, स्वरूप में बैठ कर। इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक आपके साथ शरीर के संबंध कभी नहीं है, अब हमेशा ही स्वरूप में ही रहता है, दूसरा किसका संबंध होना संभव ही नहीं है, परंतु माया से वो कल्पित संबंध बना लेते हैं, वो कट जाता है। ये जो प्रतिबिंब है वो भी मिथ्या है, प्रतिबिंब तो मिथ्या है ही, प्रतिबिंब सत्य कौन बोलेगा, जैसे बिंब से का प्रतिबिंब माया में जो शरीर में पड़ रहा है उसको, वो तो चिदाभास बोलते हैं उसको, चिदाभास भी मिथ्या है, चिदाभास भी मिथ्या है, चिदाभास भी सत्य होता है, कभी मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। चिदाभास यदि सत्य होगा तो कभी उसके साथ तो कभी संबंध ही नहीं हुआ, जिसमें मैंने अपरिच्छिन्न अहंकार में ये मैं सर्वानंद हूँ ऐसा बोलता हूँ, ये यदि ये सत्य होगा तो मैं असंग व्यापक पूर्ण आत्मा कैसे सोचेंगे आप, ये मिथ्यात्व है ही, इसी को नहीं समझ गए। जन्मांतर संस्कार इतना तीव्र प्रबल होता है, बार बार सुनने पर भी ना वो संस्कार मिलती नहीं, समय लगता है, समय लगता है, पेपर में पेंसिल से थोड़ा गहरा दाग दे दो रबर इतना मिटाओ उसको बिल्कुल दाग इंप्रेशन नहीं जाता है, जाता नहीं है, धीरे 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 या तो फट पेपर ही फट जाएगा एक दिन घिसेंगे, अथवा धीरे 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 समय आने पर फिर नॉर्मल कंडीशन में, ये चीज़ मतलब जिस कारण से यहाँ पे ये चीज़ को यदि समझ जाएंगे तब जागृत कैसे आपको संसार को जागृत को मिथ्या बोलना बिल्कुल शंका नहीं रहेगा, अपने मन से ही मिट जाएगी ये चीज़, क्योंकि किस दृष्टि से बोला जाए है ना, किस हिसाब से बोला जाएगा, लंबा समय तक देख रहा है वो थोड़ी देर के लिए देखा, ये हेतु नहीं बोल रहे, ये तो नहीं बोले कहाँ पे थोड़ा मन कहाँ पे कैसे कर सकता, टीकाकार इसको स्पष्ट कर यहाँ तक की बात सुन लिया, ठीक है अब फिर टीका के साथ देखिए भाष्य क्या, इस पंक्ति को तो पढ़ ली थी हमने भाष्य शुरू से, देहात बहिर इव देशांतरम गत्वा स्वप्नान भावान उपलम्भात तेषां देहांत संविते नाड़ी प्रदेश दर्शनम असंप्रतिपन्नम इति आशंक परिहरति, अपने क्या बोला शरीर के अंदर नाड़ी में वो स्वप्न देखते हैं, परंतु नहीं नहीं हमें क्या दिखाई पड़ता है, मैं तो मुंबई में हूँ मैं तो कलकत्ता में हूँ, उसने बोलता है देहात बहिर एव शरीर से बाहर हे जा करके ही देशांतरम गत्वा देशांतर में जाकर स्वप्नान भावान साप्निक वस्तुओं का उपलब्धि साप्निक वस्तु उपलब्धि होने के कारण, ठीक है ना, देशां मतलब क्या हुआ देखिए इस पंक्ति को जरा खा, अपना स्वरूप से बाहर जा करके, स्वरूप से बाहर जा करके मतलब शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के साथ संबंध रखने वाले वस्तु को मैं और मिला करके व्यवहार करता है, यही सपना है, यही सपना है, इसीलिए आप बोलते हैं कि स्वप्न गत्वा स्वप्नान भावान उपलब्ध्या उपलब्धि होने के कारण शरीर के साथ संबंध नहीं होता कोई मेरा नहीं रहेगा, जब भी मैं परिच्छिन्न में तभी मेरा के साथ संबंध, इसलिए बोलते हैं अपने स्वरूप से बाहर आना पड़ता है,
तेषां परंतु शास्त्र क्या बोलते हैं स्वरूप हमेशा एक रूप है, तुम कभी माया आया ही नहीं, ये माया से तुमको प्रतीति होती है कि हम शरीर अशरीर इसलिए हम बोलते हैं भावान उपलम्भा तेषाम देहात समृत उन सभी का शरीर के अंदर समृत छोटा स्थान में नाड़ी प्रदेश दर्शन लोग नाड़ी देश में वो दिखाई पड़ता है, ये हम आपके साथ सहमत नहीं असंप्रतिपन्न मित्र आशंक परिहर्ति तब सुख में उस लोग आया था अभिघ्रता चकाल से गता देश न ठीक है वही स्वप्नों उपलब्धि पक्षी दोषांतरम हम यदि आप बाहर जाकर स्वप्न देखते ना तो एनदर वही लग रहा हो गया और अनुपयुक्त काल अब अदीर्घ काल सेकंड क्या हो गया आपका कि आप जहाँ पे गए जा करके स्वप्न देखे होते जगने पर आपने वही प्राप्त होना चाहिए था यदि देशांतर गए होते तब वहीं पर जगते सेकेंड दूसरी इसलिए बोलते हैं वही स्वप्न उपलब्धि पक्षे दोषांतरम हो यदि बुद्धश्च वही सर्वम तस्मिन् देशे न तो अब जो है भगवान भाष्यकार इस श्लोक के द्वारा कालिकाकार किस शंका को निराकरण करना चाहते हैं उस शंका को भगवान भाष्यकार दिखा रहे हैं जो होते हैं व्यवर्त्याम आशंकाम अनुवदति व्यवर्तम मतलब निराकरण करने योग्य जो शंका है उस शंका को भगवान भाष्यकार अनुवाद करते हैं जो बोलते हैं व्यवर्ताम आशंकाम अनुवदति भगवान भाष्यकार अब भाष्य में स्वप्न दृश्यानाम भावानाम अंत संप्रतत्व स्थानमित असिद्धम स्वप्न में दिखाई दे रहा है वस्तु केवल मात्र शरीर के अंदर ही है ये जो आपने कहा इस विषय में हम आपके साथ सहमत नहीं है ये सिद्ध नहीं होता ये असिद्धम शब्द बोला ना आपने क्या सामान्य रूप से जो हम जो अनुमान करते हैं विमतम मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत् ये दृश्यत्व का फिर आपने क्या बोला था अंतस्थानात् तो ये अंतस्थानत्व रूपी हेतु जो है ये स्वरूप असिद्ध मतलब पता है स्वरूप असिद्ध दोष के द्वारा टेक्निकली जब आप देखेंगे दर्शन में क्या बोलते हैं ये असिद्ध हेतु बस तीन प्रकार के हैं स्वरूप असिद्धि आश्रय असिद्धि व्यापत्व असिद्ध व्यापत्व असिद्ध को उपाधि दोष बोलते हैं स्वरूप असिद्धि मतलब हेतु को पक्ष में नहीं बैठना स्वरूप असिद्ध हो गया हेतु को पक्ष में नहीं बैठना आश्रय असिद्धि का होगा पक्ष में सिद्ध नहीं होना व्यापक सिद्धि मतलब क्या है आपने जो व्यक्ति दिखा वो सही नहीं है व्यक्ति उससे उपाधि के साथ व्यक्ति व्यक्ति होता है यदि यहाँ पे जो असिद्धम शब्द बोला यदि हम नए दर्शन के शब्द तब उसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका हेतु पक्ष में नहीं बैठ रहा है हेतु क्या दिया था अंतस्थानात् हेतु जो आपका जागतिक स्वप्न में नहीं है वो तो बाहर जाके देखते हैं समझना है स्वप्न दृश्य वस्तु मिथ्या है क्योंकि अनुपयुक्त स्थान में दिखाई देता है इसलिए आपने जो कहा ना ये आप मतलब अनुपयुक्त स्थान मतलब शरीर के अंदर बोध होता है परंतु ये आपका हेतु सही नहीं है वो तो बाहर देश में जाके देखते हैं शरीर में थोड़ी देखते हैं इसलिए आपका अनुमान स्वरूप असिद्धि दोष की तरह इसलिए असिद्ध शब्द प्रयोग करते हैं आपको मतलब असामान्य कोई न्याय नहीं जानते तो हम इसको बोलेंगे ये आपका हेतु सही नहीं है टेक्निकली जब हम इसको बोलेंगे तब क्या बोलेंगे स्वरूप असिद्धि दोष की तरह घोषित है समझ में इसलिए हम बोलते हैं कि स्वप्न दृश्यानाम भावानाम अंत समृत स्थान में ये तक असिद्धम आपका ये कथन मतलब आपका ये अनुमान स्वरूप असिद्धि दोष के द्वारा ग्रसित है ठीक है तेषाम देहांत संकुचित नाड़ी देशे स्थिति स्थिति दर्शना मिथ्यत्वमिति एतदपि असंप्रतिपन्नमिति अत्र हेतु आह यस्मात् क्योंकि तेषां मतलब स्वप्न स्वप्न दृश्यानां देहांत संकुचित नाड़ी देश स्थिति दर्शन शरीर के अंदर संकुचित नाड़ी देश में विद्यमान है इस प्रकार इसलिए मिथ्या मिथ्यात्मिति एतदपि आपका इस कथन भी असंप्रतिपन्न इसका शताम सहमत नहीं है इति अत्र इसके कारण कुछ हेतु क्या है क्योंकि वो क्यों हम क्योंकि आपने बोला सहमत नहीं है अब सहमत क्यों नहीं है इसलिए नहीं है तो हमको स्वप्न यहाँ पे नहीं दिखाई देते हमको स्वप्न दिखाई दे रहा मैं देशांतर में कालांतर में चला गया इसलिए बोलते हैं हेतु यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है तेषां देहांत संकुचित नाड़ी देशे स्थिति दर्शन स्थिति दर्शनात् स्थिति मतलब द्रष्टु स्तया स्वप्न पदार्थनाम दर्शनात् इति अर्थ स्थिति मतलब क्या द्रष्टु स्तया स्वप्न पदार्थनाम दृष्टा होकर के ही वहाँ पे स्वप्न पदार्थों को देखता है क्यों देखने वाला वही व्यक्ति है क्या क्या असंभित हो गया देखने वाला वही है आंख बंद करके सोया था आंख खोल करके देख रहा है जागृत काल में चश्मा लगा के दिखना पड़ता है अब स्वप्न काल में बिना चश्मा फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है कई चीज जो है इसीलिए आप जो बोलते हैं किसी शरीर में नाड़ी के अंदर होता है ये कथन आपको सही नहीं है वो जो है अन्य देश में जा करके अन्य स्थिति अन्य हो जाता है उस प्रकार से उसको वो देखते हैं ऐसा मानना पड़ेगा
ऐसा बोला तेषाम देहांत संकुचिते नाड़ी देशे स्थित स्थिति मतलब स्थिति प्राप्त करते हैं दृष्टुतया स्वप्न पद स्वप्नार्थानाम दर्शन को दृष्टा रूप में ही वहाँ पर स्वप्न सापनिक वस्तु को देखते हैं स्थिति दर्शन मतलब दृष्टा उद्दिष्ट है इस प्रकार से ही देखते हैं। इसलिए मिथ्या तमीज बोला अपने का जब असत्य इसके साथ हम सहमत नहीं है तो तब भाषण में बोलता है जसमा क्यों क्योंकि सोया था पूर्व देश में और स्वप्न देख रहा है पश्चिम मतलब उत्तर देश में इसलिए ऐसा देशांतर में क्या होगा वहाँ पे जो तस्मात प्राच्येशु सुप्त उदंशु स्वप्नान पश्चन इवो ठीक है ना वहाँ पे जो इव शब्द आया हुआ है तो देखो ठीक है क्या लिखता है पश्चन इव इति कौन सा शब्द लिया भाष्य में जो आया है पहला लाइन में 81 पेज में स्वप्नान पश्चन इव ठीक है ना पश्चन स्वप्नान इव इसको बोलते हैं इसका अर्थ क्या हो गया स्वप्न दर्शन से निरूपणे सति आभासत्वम इव शब्देन उच्यते इव शब्द से क्या कहना चाहता है भगवान स्वप्न में दिखाई दिया वस्तु को यदि आप निरूपण करने जाएंगे विचार पूर्वक निर्णय करने जाएंगे आपको आभास मात्र अपने आप समझ आभास मात्र इसलिए बोलते हैं कि पश्चन इव में इव लगाने के अभिप्राय क्या है भाष्यकार जी का अभिप्राय है स्वप्न दर्शन से निरूपण स्वप्न में दिखाई दे रहे जो वस्तु अथवा स्वप्न दर्शन उसको जब दर्शन रूप दिया उसको जब हम विचार पूर्वक निर्णय करने जाएंगे तब क्या हो जाएगा निरूपण सती आभासत्वम इव दृश्यते मतलब निरूपण करने पर क्या हो जाएगा वो आभास जैसा प्रतीति होता है वास्तविक वस्तु नहीं है। इसको समझाने के लिए भगवान भाष्यकार वहाँ पे पश्चन इव शब्द दिया ठीक है इव दृश्यते इति एतद् आशंक्य आभास्यम् इति एतद् आशंक्य आह तो हम बोलते हैं वहाँ पर ये एतद् शब्द है वो एतद् शब्देन चोद्यम परम जिस शंका को उठाया था उस शंका को परामर्श कर एतद् शब्द बनाया शंका क्या है यहाँ पर किस शंका को समाधान करने के लिए श्लोक आया ना ना यहाँ पे किस शंका को समाधान करने के लिए इस श्लोक को उठाया कि देशांतर प्राप्त होना चाहिए हाँ देशांतर में जा करके स्वप्न देखता है इसीलिए आप क्या बोला नाड़ी के अंदर यह आपका कथन सही नहीं ये जो शंका होता है उस शंका की एतद् शब्द के द्वारा जिसको बोल रहे हैं पर्टिकुलर उस जगह को प्रक्रिय तब आपको पूरा समझ में आएगा तो लगेगा एक ही चीज़ को बोल रहे हैं एक ही चीज़ को नहीं बोल रहे हैं सब जगह पर छोटा छोटा शंका के स्थान भिन्न भिन्न यहाँ पे एतद् शब्द के द्वारा क्या लेंगे इति एतद् आशंका आशंका मतलब आशंका एतद् शब्द में देखो टीकाकार बोलते एतद् शब्द ना चोद्यम परामृश जो शंका को उठाया था ना पहले कि जो है कि स्वप्न दृश्य नाम भावना अंत समृद्ध स्थानम इति एतद् असिद्धम ये चौदह शंका इसको परामर्श किया जाता है इसको परामर्श होता है वहाँ पे एक नंबर टिप्पणी भी आया था भाष्य में आशंका मतलब उद्भाव्य इस शंका को उठा करके उसका निराकरण करना इस शंका को उठा करके उसका निराकरण करना फिर टीका में लिखी मतलब कि हमें क्या बोला न देहात बहिर्देशांतरम गत्ता स्वप्नान पश्यति स्वप्नदृष्ट पुरुष वो शरीर से छोड़ करके बाहर जाकर के स्वप्न देखते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि आगे बोलते हैं क्योंकि स्वप्नदृष्टा गत्वा स्वप्न न पश्यति इति अत्र हेतु स्वप्नदृष्टा पुरुष भिन्न देश में जा करके स्वप्न नहीं देखता इसके लिए पहला हेतु क्या दिया और दीर्घत्वात् काल से पहला हेतु दूसरा है तो क्या है वहाँ पे कि प्रतिबुद्ध दसवीं देश में अभिन्न जिस समय उठा उस देश में आपको प्राप्त नहीं इसको दूसरा हेतु है इसलिए आप बोलते हैं स्वप्न दृष्टा गत्ता स्वप्न ना पश्यति इति अत्र हेतु यस्मात् सुप्त मात्र इव देह देशात् योजन शतांतरित मास मात्र प्राप्य देशे स्वप्नान पश्यति इव दृश्यते ठीक है ना अनेक दूर जा करके देखते हैं जो महीना दो महीना बाद क्योंकि पहले जमाने में हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं थी तो चलने में जाने में दो महीना एक महीना लग जाता था एक देश में इसीलिए होता है जितना समय का हमने तो ही स्वप्न देखते हैं तो यहाँ पे तथापि यहाँ ठीक यहाँ पे जो इव शब्द आया हुआ है ना कहाँ पे देशे स्वप्नान पश्चन इव दृश्यते भाष्य में वहाँ पे इव शब्द का अर्थ भी पहला ये शक आपके यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए उसको ना ना टीका में जहाँ पे हमने समाप्त किया जस्मात जो प्रतीक है उसके आगे क्या लिखा है इव शब्द वस्तु पूर्ववत् इव शब्द वस्तु पूर्ववत् मतलब इव शब्द के द्वारा जिस चीज को कहना चाहते हैं जैसा पहले है ऐसा ही यहाँ ठीक है ना यहाँ जैसा पहले कहा था इव शब्दस्तु अथवा वस्तु यहाँ पे पूर्ववत् मतलब पूर्व में क्या बोला था वहाँ पे
क्रियाशन में बोला था इके स्वप्न दर्शन से निरूपण सति आभासत्वम इव शब्द ना बोलते हैं, बोल क्या था ना यहाँ भी इव शब्द के द्वारा स्वप्न आभास ही कहना चाहते हैं। इसे बोलता है इव शब्द वस्तु को, इव शब्द के द्वारा जिस वस्तु को कहना चाहते हैं वो पहले ही जैसे है ना, यहाँ पे वो पहले पुस्तक में ना इव शब्दस्तु पूर्ववत है, इव शब्दस्तु वस्तु से कोई वो नहीं, हमने पुराने पुस्तक में देखा वहाँ पे इव शब्दस्तु, इव शब्द तो पहला जैसा अर्थ है ठीक है ना, यहाँ भी पहला जैसा अर्थ है, वकार का पोस्ट मिला देना वहाँ इव शब्द बना दो इव शब्दस्तु, और मिला ना आपको कि नहीं मिला, जगह ही नहीं मिला बेटा, मिला तो वहाँ पे जो है वकार तो जो है एक पोस्ट में कर देना, पुरानी पुस्तक में मैंने देखा इव शब्दस्तु पूर्ववत तथापि फिर टीका में तथापि कथम वही स्वप्न उपलब्ध न भवती निर्धारित, तो ठीक है मान लो जो समय फिर भी आप ये कैसे निर्णय कर सकते हैं कि बाहर जाके नहीं देखते, जो बोलते तथापि कथम वही, कथम वही स्वप्न उपलब्ध न, बाहर में स्वप्न उपलब्धि नहीं हो अपने अंदर ही होते, ये कैसे निश्चय निर्धारित इति आशंक आह न च तद्देश प्राप्ति आगमन सच दीर्घ काल ही, इसलिए निर्णय किया क्योंकि उस देश तक जाना वहाँ से वापस आने के लिए जितना समय लगता उतना समय अपने स्वप्न में नहीं बिताया, दो तीन सेकंड चार सेकंड पाँच सेकंड में चार साल पाँच साल का सपना देख लो, इसलिए यहाँ पे बोलते हो साहब ये वस्तु मिथ्या होता है, न च तद्देश प्राप्ति आगमन सच दीर्घ काल अस्थि न हो गया। आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा अनुमान के रूप में टीकाकार दिखा गए, स्वप्न सत्य ना भवती उचित काल विकलत्वा संप्रति पन्नवत इति अभिप्रेत फलितम अहम, एक अनुमान दिखाई दे रहा है आपको, स्वप्न हो गया पक्ष, हो गया पक्ष सत्य ना भवती साध, क्यों हेतु क्या दिया उचित काल विकलत्वा, जितना काल लगना चाहिए उस काल से रहित होने का, उचित काल विकलत्वा उचित काल विकलता हो गया चकलता नहीं, उचित काल विकलत्वा संप्रतिपन्नवत, जहाँ पे तुम्हारी मान्यता तो वहाँ पे देख लो, ये जो संप्रतिपन्नवत ने टिप्पणी दे रहे हो जानवर को टिप्पणी कहाँ गई भाष में बाद में आएगा ठीक लास्ट में आएगा, बन लिया तो उपलब्ध दृश्यता इति जाओ ठीक है। अब यहाँ पाँच नंबर टिप्पणी में देखिए बोलते हैं संप्रतिपन्नवत इति माया माया भी मायावी विरचित नगर आम्रादिवत, एक पहली हम इतना छोटे में लिखा हुआ है ना छोटे मायावी विरचित समास हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे मायावीन प्रातिपदिक है नौ लोग प्रातिपदिक मायावीन प्रातिपदिक होते उसका नॉमिनेट सिंह होता है मायावी देखो ये शशीन नॉमिनेट सिंह का क्या होता है शशि, इसी प्रकार मायावीन प्रातिपदिक बिनी प्रत्यय वहाँ पे हाँ माया बीन में रश्मि का है ना शशि में प्रतिपदिक में क्या शशि में प्रतिपदिक सीधा लेना है हाँ समास में क्या होता है आपका जो है नकार का लोप हो जाता है विभक्ति का लोप हो जाता है प्रतिपदिक माया बीन आपको तो एक माया भी के द्वारा तो माया बीना बनता है मतलब माया बीना बनता है तो माया बीना में आपका विभक्ति का लोप हो जाएगा और न लोप प्रतिपदिक का समास में नकार का लोप मायावीन का माया भी हो जाता है इसलिए कर होता है यदि नॉमिनल के स्टेम होता है तो दीर्घ समाज पर मायावी मतलब मायावी के द्वारा विरचित बनाया गया नगर अमरादिवत बनाया गया नगर अथवा आम आपको बोलो क्या चाहिए आम चाहिए जी लो ये दे दिया आपको मायावी के द्वारा विरचित पर भी हमें जरा मुश्किल है क्या मुश्किल है आपको तो दे दिया और फिर वो बोलता है कि खा के देखो सही अब है कि नहीं है तो यहाँ पर तो ये कहना चाहते हैं कि वो आपको जो है वो यथार्थ तो आप नहीं है मतलब सच्चा ही नहीं है तब तो होता है ऐसा कि वो कहें तो कुछ व्यवस्था ऐसा करते हैं तो उसका हाथ में सही आम आ जा अधिकतर नहीं होता है वो अलग अलग सजा के रख देता है देखो ये आम कभी कभी कोई और भी अधिक कैपेसिटी वाले होंगे लो खा के देख लो लो खा के देख लो ऐसा भी होता है कोई तो माया भी विरचित नगर अमराधिपति फर्स्ट सेकेंड बोलते हैं मनोराज्य निर्मित सौधाधिपत इति अर्थ आप मनोराज्य से कोई बहुत बड़ा पैलेस बना लिया मन ही मन कुछ बना लिया उसमें कोई पारमार्थिकता है नहीं वहाँ उसको तोड़ने में ना बनाने में कोई खर्चा भी नहीं है
बस मनोराज्य से बना दिया मनोरथ है वो। इसको यहाँ पे बोलते हैं सम्यक्ति पन्न, जहाँ पे आपको उभयपदी सम्यक्त जो दृष्टांत जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहीं पे आप समझ लो, ये सम्प्रति पन्न पर जहाँ पे आपको समझ में आता है वहीं पे आप समझ लो। या तो मायावी जादूगर की तरह दिखाया गया जो वस्तु हो, अथवा तुम ही अपनी मन ही मन जो कल्पना कर लेते वो वस्तु भी जैसे सत्यत्व नहीं होता, इसी प्रकार सात्विक वस्तु भी सत्य नहीं होता है ना। स्वप्न सत्य ना होती, स्वप्न अथवा स्वप्न में दिखाई दे रहा वस्तु सत्य नहीं होता। क्यों? उचित काल विकल अथवा उचित काल से रहित होने के कारण संप्रति पन्न पर जहाँ तुम्हें समझ में आता वहीं पर देख लो। सभी बातें को तो मान्यता है ही, मनोकल्पित वस्तु सत्य नहीं होता, स्वप्न में दिखाई वस्तु सत्य नहीं होता, माया भी जादूगर की तरह दिखाई वस्तु सत्य नहीं होता, माया होता है इति अभिप्रेत आहो, इसी को मन में रहते फलितम अत अत अदीर्घत्वाच कालस्य न स्वप्न दृक् देशांतरम गच्छेत्। इसलिए काल की उपयुक्त काल नहीं होने का कारण स्वप्न दृष्टा पुरुष देशांतर में जाकर के स्वप्न नहीं देखता, स्वप्न नहीं देखता। सर्व अभिकृत टीका में आ जाइए, इतस्य न देशाद बहिर देशांतरे स्वप्न दर्शनम इति अहो, इतस्य मतलब और इस कारण से भी, और इस कारण से भी रीजनिंग देहात बहिर देशांतर, देह से बाहर देशांतर में जाकर के स्वप्न दर्शनम न भवति, न आगे जाके स्वप्न दर्शन नहीं होता। इति आहोस को मन में रखते बोलते हैं किंच किंच इस कारण से भी, पहले क्या हो गया काल की विकलता, दूसरे में क्या है दूसरा बोलते हैं किंच प्रतिबुद्ध सबल सर्व स्वप्न दृक् स्वप्न दर्शन देश न विद्यते, जगने पर वो जहाँ पे जाके स्वप्न देख रहा था उस देश में वो नहीं जगता, वो जहाँ पे सोया था वही जगता है, इसीलिए वो देशांतर में नहीं गया, या ना दिस नहीं गया। इसे बोलते हैं टीका में सर्व अपनी स्वप्न दृष्टा देशांतरे स्वप्नान पश्यन् अकस्मादेव प्रतिबुद्ध न तत्र अस्ति किंतु शयन देशे वर्तते, सभी स्वप्न दृष्टा पुरुष कहीं भी किसी भी जगह पे कोई देखे सर्वपि स्वप्न देशांतरे स्वप्नान पश्यन् देशांतर में स्वप्नों को देख करके अकस्मादेव प्रतिबुद्ध, यदि अचानक उसको जगा दिया जाता है तो क्या होता है प्रतिबुद्ध न तत्र अस्ति, जिस देश में स्वप्न देख रहा था वो अपने को उस देश में नहीं पाता, न तत्र मतलब उस स्वप्न दर्शन देश में नहीं होता, किंतु कहाँ देखता है शयन देशे वर्तते, जहाँ पे सोया था वहीं पे पड़ा हुआ है, वहीं पे पड़ा हुआ, इसलिए बोलते हैं किंतु शयन देशे वर्तते तथापि गत्वा स्वप्न दर्शन कान गति, यदि इतना भी आप कहते हो तो उसमें फिर भी आप उसमें अनुपयुक्तता क्या हुआ, बोलता है अनुपयुक्तता यही हुआ कि वस्तु हमको नहीं मिला, इसे तथापि ठीक है ऐसा होने दो, फिर भी गत्वा स्वप्न दर्शन वहाँ पे जाकर के स्वप्न दर्शन में क्या युक्तिहीनता है कानुपत्ति इति आशंका, यदि वो वहाँ पे गया होता यदि च स्वप्न देशांतरम गच्छेत जस्मिन देशे स्वप्नान पश्ये तत्रैव प्रतिबुद्धते प्रतिबुद्धेत, यदि वो वहाँ पे गया होता तो उसको अचानक जगा देने पर कहाँ मिलना चाहिए था उसको, जहाँ पे गया वहाँ पे मिलना चाहिए था, जहाँ पे सोया है वहाँ पे नहीं मिलना चाहिए था, परंतु क्या होता है जहाँ पे सोया तो वहीं पे मिलता है, इसीलिए स्वप्न दर्शन में बाहर नहीं जाता ये अभिप्रेत है। तथापि गत्वा स्वप्न दर्शन कानुपत्ति आशंका यदि च स्वप्न देशांतरम गच्छे जस्मिन देश स्वप्नान पश्य तत्रैव प्रतिबुद्धेत, अंतर एव स्वप्न दर्शनमिति स्थिते, इस प्रकार से स्वप्न दर्शन अंदर में ही होता है बाहर मत नहीं होता, स्वप्न मिथ्यात्म स्वप्न मिथ्या है, क्यों क्योंकि उचित काल शून्य का इति उक्तम प्रपंच के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या कहा था उचित काल शून्य होने के कारण, वहाँ बोला ना उचित काल विकलत्वात् स्वप्न सत्य भवितुम न अर्हति, उचित काल विकलत्वात् इसी हम बोलते हैं कि अंतरेव स्वप्न दर्शनम इति स्थिति, कहाँ हुआ दो युक्ति की तरह दिखा दिया काल की अनुच्च अनुचित देश की अनुचित और जग पर वहाँ पर हमने अपने को नहीं मिलता, ये सब हेतु के कारण स्वप्न मिथ्या है, अंतर एवं स्वप्न अंदर ही स्वप्न दर्शन इति स्थिति स्वप्न मिथ्यात्म उक्तम, अपने स्वप्न मिथ्या है कहा उचित दे उचित काल शून्यता उचित काल से शून्य होने का इति उक्तम प्रपंच विस्तार से समझाते हैं कि आप स्वप्न क्यों आते कि देखो कि रात्रौ सुप्त अहनेव भावान पश्यति, ठीक है ना, सोया रात्र में और दिन में व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा है, ये भी एडिशनल भाष्यकार बोल रही है, ये कारिका में नहीं है भाष्यकार एडिशनली जो है और बहुवीर संगत अनेक साथ मिला ये भी वहाँ पे दिखाई पड़ता है, जय संगत भवती तय वीर तो जब वो जगता तब तो वो वस्तु को भी उसको प्राप्त होना चाहिए था। कल रात को मैं देखा किसी ने मेरे को जो है ये 1,00,000 रुपया का चेक दिया, सुबह उठ करके घूम रहा हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, यानी कि वो सत्य नहीं था झूठा, यही किसी प्रकार जिसके साथ मिला वो भी जो है नहीं है वो,
तो इसीलिए जो है वो सत्य नहीं होता, ये अभिप्राय है ज्ञान बोल रहे हैं। अब स्वप्न दर्शन में स्थित स्वप्न में रात्र शुक्त अहनी भावान पश्यति बहुवीर संगत हो, अनेक के साथ मिला, जैसा संगत भगवती तय गृह था, जिसके साथ मिला था उसको साथ वहाँ पर उदर करके मिलना चाहिए था, न जग रही थी, परंतु नहीं ग्रहण होता है। यदि गृहित होता ना तो उसको लेकर के देखिए बोल रहे हैं टीकाकार, यद्यपि रात्रो निद्रा उपगत, हमने किस समय सोया, रात के समय सोया, रात्रो निद्रा उपगत तथापि भावान अहनी पश्यनी वतिष्ठति, परंतु भाव वस्तु स्वप्न हम दिन के समय देखते हैं, स्वप्न आप किस समय देखते हैं, दिन के समय देख रहे हैं, प्रकाश कहाँ से आ गया, अगला स्वप्न उसके स्पष्टीकरण देंगे। भावान अहनि पश्चन इव, दिन के समय वस्तुओं को देखते हुए जैसा दिखाई पड़ता दृष्टि, सुप्त संघृत चक्षु अधिकरण अपनी, सोया हुआ व्यक्ति आँख बंद करके कान में जाने की आवाज ना सब बंद करके सोया था, दरवाजे बंद करके फिर सपना देखने लगता है तो क्या होता है, दौड़ रहे हैं, आँख खुला कान खुला नाक खुला, और कोई आपको चश्मा चश्मा नहीं लगाना पड़ रहा है, हियरिंग एड नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप सब सुन रहे हैं देख रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। इसलिए बोलते हैं सुप्त संघृत चक्षुराधिकरण अपनी, सोया हुआ व्यक्ति दौड़ते हुए अपने को देखते हैं, चक्षुराधिकरण बंद किया हुआ था, चुपचाप आँख खुला हुआ वस्तु को देखते हैं, इस प्रकार से इस कारण से सपने पार बनते हैं। शयान अपनी पर्यटन प्रतिबद्धते, सोते सोते अपना दिखना, मैं बहुत घूम रहा हूँ अपने आप इधर, शयानों भी सोते हुए भी, सिंह शयन धातु है, सिंह शयन धातु अलाधिगंत धातु है, स्लोक प्रत्यय के शयानों अपनी पर्यटन प्रतिपद्ध, तो अपने को घूमते हुए दिखाई देते हैं, बस अठ धातु है, अठ 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 टूडैम्बल टूडैम्बल, ये अठ धातु से परिपोषण कर लुट प्रत्यय पर्यटन, पर्यटन पर्यटन प्रतिपद्य, शयान पर्यटन प्रतिपद्य आपकी, फिर क्या है देखो, यद्यपि सहाय विहीन सुप्त तथापि बहुवीर सहाय स्वप्न उपलब्ध, आपने आपके पास लट्ठी अथवा खाना खोना लेके नहीं सोया था, आपको देख रहा है कि कोई आपको मारने आ रहा है, आप लट्ठी लेके तैयार होंगे मारने के लिए, वो उपकरण तो आपके पास था नहीं, सपने में अपने आप मिल जाते हैं, फिर आपने दोनों प्रकार से हो सकता है, पेट भर के खाना खा के सोया और देख सपना देखो सात दिन से खाया नहीं चारों तरफ खाना, बगल में खाना लेके नहीं सोया था और पर रात में घूर कर खूब खाना खा लिया, ये सब जो उपकरण से रहित होते हुए भी कई उपकरण इकट्ठे कर लेते हैं स्वप्न में, इस कारण से भी, इसीलिए भाष्यकार मैंने कालिकाकार ने दो रीजन दिया, भाष्यकार उसके साथ बोला कि उस देश में जाता तो वहाँ पे जगता वहाँ पे वस्तु मिला, टीकाकार एडिशनल जोर रहे सारा उपकरण से रहित होते हुए भी सही उपकरण से मिल करके वस्तु बना के वो व्यवहार करता है, इसलिए अभी बोलते हैं यद्यपि सहाय विहीन सुप्त सोया हुआ पुरुष हर प्रकार की एड्स, सहाय मतलब यहाँ पे कह जाएगा उनका जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट उससे रहित है, तथापि फिर भी बहुवीर सहाय अनेक मदद करने वालों के द्वारा स्वप्न उपलब्ध है, स्वप्न वस्तु को उपलब्ध होती है, तस्मात उचित कालस्य कर्णस्य सहकारिणस्य अभाव्य, देखिए इस कारण से अब तीन चीज आ गया, पहले क्या बोला था काल, उसके बाद बोला करण इंस्ट्रूमेंट और हेल्पिंग फैक्टर्स, हम आगे श्लोक आएगा जैसे न तत्रथान रथ योगान पंथान मत रथान रथ योगान प्रथान सही करता वेदा नुकुशन, तो रथ बनाने के लिए उसके पास लकड़ी नहीं है, फिर उसके बाद लकड़ी को मतलब ड्रेसिंग करने के लिए उसके पास जो औजार चाहिए वो भी नहीं है, लकड़ी को रथ में बदलने के लिए जो कारीगर है कारपेंटर वो भी उसके पास नहीं है, फिर भी क्या करता है रथ, इसलिए बोलते हैं कि तस्मात उचितस्य कालस्य, एक रथ बनाने में जितना समय लगता है उतना रथ भी नहीं काल भी नहीं लगा, उसको बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी उसका नहीं है, सहकारी न मतलब उसको जो बनाने वाला जो है उसका भी वहाँ पे नहीं, अभाव या भी स्वप्न दर्शन फिर भी स्वप्न को सब वस्तु दिखाई देने के कारण तस्मिन मिथ्यात्म सिद्धम स्वप्न दृष्ट वस्तु में मिथ्यात्म सिद्ध हो जाता है, इसी अर्थ उसका विपरीत, स्वप्न मिथ्यात्व हेत्वांतरण हो, स्वप्निक स्वाप्निक वस्तु मिथ्या होता है, इस विषय में एक और कारण को दिखा रहे हैं, क्या कारण बोलते हैं,
वहाँ पे देखिए ज्येष्ठ भाष्य में नीचे से ऊपर के सेकंड लाइन में राइट हैंड कॉर्नर में ज्येष्ठ संगतो भवति तैर्गृहीतः, जिसके साथ मैंने मिला था, जो वस्तु मेरे को स्वप्न में मिला था, जिस व्यक्ति के साथ मिला था, वो हमको मिलना चाहिए था, उठ करके नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ठीक है ना। ध्यान को बहुत सावधानी इस जगह पे, ऐसा ही होता है जब हम माया निद्रा से जग जाते हैं ना, तो मायिक अवस्था में जिनके साथ हम मिले भी होते हैं, जिनके साथ हम अपना बन रहते हैं, ये सारा छोड़, सारा छोड़ ये भाव भगवान भाष्यकर की एडिशनल रीजनिंग दे रहे हैं कि मतलब यदि तुम माया निद्रा से जग जाओगे तो तुम्हारा भी यही स्थिति होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज्येष्ठ संगत भगवती तय न जग नहीं होता, वो उस समय ग्रहण नहीं होता। सहदर्शी भी टीका में फिर सहदर्शी भी अग्रियमानतम स्वप्न दृष्टु असंप्रतिपन्नम इति आशंका आह। आपने बोला कि नहीं सहदर्शी तो आपको कभी कभी बोलते हैं हाँ मैंने देखा था, बोलते हैं नहीं नहीं हमेशा नहीं। तो सहदर्शी भी मतलब जिसके साथ आपने मिला था उन लोगों के द्वारा अग्रियमानतम को स्वीकार नहीं करता। हाँ जी कल मिल करके कल रात को हम लोग क्लास ले रहे थे यहाँ पे, अगर मैं कहूँ आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कोई नहीं। स्वप्नदर्शी भी जिन लोगों के साथ, सहदर्शी भी जिन लोगों के साथ मिल करके मैं सपनों देखा था, वो लोग बोले बुढ़ा पागल हो गया, रात में कोई क्लास चलता ही नहीं बोलेगा। इसलिए बोलते हैं सहदर्शी भी और फिर मानता हूँ तो उनके तरह ग्रह नहीं कारण स्वप्न दृष्टि स्वप्नदृष्ट असम प्रतिपन्न मूल मतलब ग्रहणीय नहीं आता, युक्ति संगत नहीं है कि आशंका हो। गृहित मान लो यदि वो उसके द्वारा ग्रहण होता ना तो वो भी बोलता हाँ स्वामी जी कल रात यहाँ पे क्लास हो रहा है, अंदर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसको मिथ्या ही मानना पड़ेगा। गृहित पुरुषा अच्छा यहाँ ठीक है पुरुषांतर पुरुषांतर संवाद अदर्शनात्, मतलब जिस व्यक्ति के साथ हमने मिले थे उस व्यक्ति हमारी बात के साथ सहमत नहीं होता। पुरुषांतर संवाद, ये व्यक्ति बोल रहा है मैंने कल स्वप्न में कल आपको देखा था परंतु आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, है ना। इसलिए हमें बोलते हैं पुरुषांतर संवाद अदर्शनात्, मतलब वो नहीं दिखाई देने के कारण। और फिर क्या बोला देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्न दर्शन मिति वक्त, इसलिए देशांतर में जाकर जो स्वप्न दर्शन होता है ये कहा नहीं जा सकता। देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्न दर्शन स्वप्न देखा जाता है इति वक्त, ऐसा बोलना अशक्तत्व संभव नहीं होने के कारण क्या हुआ अंतर एव स्वप्न दर्शन इति उचित, ये शरीर के अंदर स्वप्न देखा था ये कहने गुप्त समिति उचित उचित देश काल अभाव। इसलिए आप देखिए क्या कार्य तो दोनों को मिल करके बोल रहे हैं, पहले श्लोक में क्या बोला था उचित देश नहीं होने के कारण उचित स्पेस नहीं है और यहाँ पे उचित काल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे अशक्त अंतर एवं स्वप्न दर्शन ये प्रतिज्ञा स्वप्न दर्शन शरीर के अंदर ही होता है इति उचित देश काल अभाव, क्योंकि उचित देश और काल के अभाव होने के कारण तन मिथ्यात्म, तन मिथ्यात्म से तन से क्या लेंगे यहाँ स्वप्न दर्शन स्वप्न दृश्य वस्तु सारा तत्व ग्रहण हो जाएगा तेषाम मिथ्या हो जाएगा तेषाम मिथ्यात्म तत्व क्या देंगे तेषाम मिथ्यात्म। वहाँ पे देखिए तद था तद तंतु पे नकार दिखाई पड़ता है, क्यों नकार दिखाई पड़ता है आगे मह है क्या हो जाएगा उस नकार को बिंदु के रूप में नहीं लिखा ये उचित है ये ठीक रहेगी तन मिथ्यात्म, ठीक है। कभी कभी जो तक बिंदु कर दे ये बिंदु नहीं लिखना चाहिए नकार ही लिखना चाहिए, इसलिए तन मिथ्या तब सिद्ध मिति प्रसंग उसको मन में रखते हैं उसको मन करते हैं हम तब इसको समाप्ति करते हैं श्लोक का। तस्मात न देशांतरण गच्छति स्वप्न, इसलिए स्वप्न में कोई देशांतर नहीं गया इसी। अब जो देखिए हम बोल रहे हैं कि टीकाकार अगला श्लोक के ऊपर कर देंगे स्वप्न दृश्यानाम भावानाम मिथ्यांत हेत्वांतरम, स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं जो वस्तु वस्तु पारमार्थिक नहीं है इस विषय में एक हेतु को आउट दिया। अब जो है यहाँ तक आपको युक्ति की तरह समझाया, अब दूसरा प्रमाण क्या देगा श्रुति ने भी ऐसा ही कहा, श्रुतियों में भी ऐसा ही कहा गया, तो केवल श्लोक ऊपर नहीं कहना
अभावश्च रथादीनां अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् आहु प्रकाशितम् सब में आहु प्रकट है आपके पास क्या लिखा है मुझे लगता है कोई बात छोटा हुआ है आहु वो तो ठीक है एक दो तीन चार दो शब्द कम है शब्द होना चाहिए आपके पास कोई दूसरा पुस्तक है नहीं है ना हमारे पास है दूसरा पुस्तक हाथ से लिखा क्या लिखा है हाथ से स्वप्न लिखा हाँ स्वप्न आहुल मनुष्य ठीक है दो वर्ड आ जाएगा हाँ स्वप्ने वैतथ्यम तेन वे प्राप्त स्वप्ने आहुर मनीषी हाँ पाठिए सीताराम जी हाँ वहाँ पे आहु के पहले लिखा है कि बाद में लिखा है हाँ ठीक है बिल्कुल सही है स्वप्ने आहुर मनुष्य में भी हाँ स्वप्न आहुर प्रकाश वहाँ पर लिख लीजिए स्वप्न आहुर प्रकाश तो मेरे को जहाँ तक याद है मैं सब पहले याद किया था ना तो मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा स्वप्न आहुर प्रकाश ठीक है मतलब क्या हो गया ये देखिए अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् युक्तिपूर्वक वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि श्रुति में एक चीज यहाँ पे इसको छोड़ दो जहाँ पर स्तुति आई हुई है वो आपका उस ब्राह्मण का नाम है ज्योतिर्ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्म वहाँ पे आत्मा की स्वयं प्रकाशता को सिद्ध करने के लिए ये मंत्र आया हुआ है ये मंत्र वहाँ पे स्वप्न मिथ्य है ये सिद्ध करने के लिए नहीं आया तो जहाँ पे हमारे वेदांत में कोई भी आचार्य जो कोई चीज़ को यहाँ पे उठाया उनको पता है कि इस मंत्र के द्वारा वहाँ पे जो है स्वप्न मिथ्य ये सिद्ध नहीं किया तब विपरीत आत्मा स्वयं प्रकाश है किसको वहाँ पे सिद्ध करके दिखाया तो आप यहाँ पर स्वप्न मिथ्यात्व में कैसे ला रहे हैं आपने तो अपनी परंपरा से जिसको निश्चय किया मतलब वहाँ पे वो शब्द आत्मा के स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध करने के लिए आया हुआ है और यहाँ पे किस में लगा रहे हैं आप आत्मा स्वप्नों के मिथ्यात्व में लगा रहे हैं भगवत उसी को समझाने के लिए बोलते हैं सूर्यते सूर्य सुनाया जाता है फिर न्यायपूर्वक वहाँ पे स्वयं स्वप्न मिथ्यात्व बिना आत्मा के स्वयं ज्योतिषापत्ति शुद्ध अर्थापत्ति क्या है कि आत्मा की स्वयं प्रकाशता तब तक सिद्ध नहीं हो सकता यदि आपने वस्तु मिथ्या ना हो मन तक मिथ्या ना हो तो आप बोलते मन के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है मन समझ में आ रहा है इसीलिए न्यायपूर्वक न्यायपूर्वक शुद्ध अर्थापत्ति शुद्ध अर्थापत्ति क्या आत्मा की स्वयं प्रकाशता आत्मा की स्वयं स्वरूप स्वयं ज्योतिष्ट ये तब तक सिद्ध नहीं होगा जितना वस्तु आपको वहाँ पर सूर्य प्रकाश दिखाई देगा स्वप्न में दिखाई दे रहे आप भी स्वप्न सूर्य प्रकाश वहाँ पर सच्चाई होता तब आपने आत्मा की स्वयं प्रकाशता सिद्ध ही नहीं होगा यानी कि वो मिथ्या है तभी जाकर इसलिए नया पूर्वक हाँ इस अभिप्राय से यहाँ पे बोले ठीक है आज यहीं पे रखते हैं आज फिर वहाँ पे आ जाएंगे अंतिम का पहला 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 अजमदपि योगिनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा अगति च चतिमतां प्राप्यते ब्रह्मयोगं विविधविषयधर्मराहिमुग्धेक्षणानां प्रणतभयमेव ब्रह्मयत्तन्न